हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। माना एंड मॉम चैनल में आपका स्वागत है। तो अपने लग गए हैं हम भाई सुबह सुबह अपने काम पे। आज मैंने हेड वॉश किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा गर्मी है और गर्मी में मैं क्या करती हूँ, दो तीन बार तो एटलीस्ट धो ही लेती हूँ क्योंकि थोड़ी गंदगी सी बाहर निकल जाती है सिर की। सर्दियों में तो फिर भी वो चल जाता है बट गर्मियों में नहीं चलता है। तो भानु दीदी आ चुके थे अभी, वो भी अपना काम करने वाले थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, उनकी बॉटलें धो धा के अच्छे से मैं क्लीन करके मांझ के इनको अच्छे से भरती हूँ। मैं सिंपल पानी भरती हूँ, वो लोग आरओ का पानी नहीं पीते तो मैं सिंपल टैप का ही पानी पीती हूँ। अभी हम सिंपल पानी दे रहे हैं, कोई फ्रिज का नहीं है, कुछ नहीं है और ना ही बच्चे फ्रिज का पानी पीते हैं, वो सिंपल पानी पीते हैं। और अभी हम मटके लाने वाले हैं, मटके का पानी भी सबसे अच्छा होता है, मटके का पानी पीना चाहिए भाई, क्योंकि फ्रिज का पानी थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत करता है, उनका गला वगैरह ख़राब हो जाता है। तो भाई ऐसे ही मेरा रूटीन चल रहा था, आप देख सकते हो उनकी बोतलें वगैरह मैंने फिल करके रख दी थी। तो मैं क्या, चलो भाई फटाफट ले जाना, भूल मत जाना, सबकी थी चारों की इनकी, तो मैं इनकी जगह रखाई थी। अब अपने अपने बैग में डाल लेते हैं, ये इस चीज़ में ठीक है कि अपना काम ये खुद कर लेते हैं। तो अब ये हमारे यहाँ पे आटा गूंदने की बारी आ गई थी मेरी, मैं क्या चलो पहले आटा ही गूंद के रख लेती हूँ फिर पूजा पाठ करते हैं। तो आटा भी मेरा गूंदने वाला था, बस गूंद ही गया था, वैसे तो गूंद लिया था। और अब सभी को पता ही है यार, गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हर काम के लिए। तो अभी सुबह का और दोपहर का तो मैं साथ ही गूंद के रख लेती हूँ क्योंकि फिर बार बार नहीं गूंदते, रात को थोड़ा सा अलग से गूंद लेते हैं, दोपहर वाला तो ख़त्म हो ही जाता है। हाँ, मेरे को पूरा अंदाजा है दोपहर का और सुबह का, ये इतना आराम से लग जाता है। और उसके बाद फिर जो रात का होता है वो मैं साथ के साथ कर लेती हूँ क्योंकि बच्चे कई बार क्या करते हैं कि रात को कम ही खाना खाते हैं, दिन में खा चुके होते हैं तो इसलिए उनको अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं गूंद के नहीं रखती, वो थोड़ा सा उसकी कनी मर जाए तो उसको साइड में रख देती हूँ। अभी आज बनने वाली थी भिंडी तो मैंने सोचा उसको पहले से अच्छे से धो धा के रख देती हूँ क्योंकि आजकल कुछ नहीं पता, दवाइयाँ वगैरह का छिड़काव होता है, कोई केमिकल होता है, धो के 5-10 मिनट के लिए रख दो तो उसका ये है कि उसको साफ़ ही हो जाती है वो सारी भिंडी। अभी मैंने इसको रख दिया था धो धा के अच्छे से, अभी कनी मरनी थी तो मैंने भी आटा भी डबल करके अच्छे से उसको अपना बाउल में डाल के रख लिया था। अभी उससे मेरा काम बहुत इजी हो जाता है, क्यों, क्योंकि अगर पहले ही आटा गूंद के रख लो तो ना उसकी कनी मर जाती है और बहुत अच्छा लगता है। दूध भी मैंने रिता दिया था, कभी भी मैं दूध को ऐसे उबाल नहीं देती, इसमें कम से कम आधा गिलास या एक गिलास में पानी डाल के फिर मैं दूध को उबाल देती हूँ। उसके बाद मैं सोच रही थी कि अब मुझे क्या करना होगा, वो देख ही सकते हो आप। मैंने सोचा मैं क्या चलो भिंडी या तो भिंडी के साथ ही थोड़े से प्याज वगैरह भी कट करने थे, वो मैं बाद में करूँगी, मेरे हाथ में स्मेल हो जाती, पहले मैं बच्चों का थोड़ा सा दूध बना रही थी। ये लोग ऐसे दूध नहीं पीते तो इनको एक ट्रिक दे रखी है हमने कि गुआवजा डाल देते हैं, उसी में मैं चीनी डाल देती हूँ या खांड वगैरह जो भी आपको डालनी, वो अपनी मर्जी होती है यार। माना भी ये पी लेती है वैसे तो आराम से। और कन्नू, कन्नू हो गया, अधिराज, मतलब मैं कन्नू को बोलते हैं उसको प्यार से, अधिराज को और आराधना, ये सब पीते हैं बट बहुत कम पीते हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा पीते हैं, छोड़ देते हैं। तो जो छोड़ा हुआ वो बच जाता है वो मैं कई बार क्या करती हूँ कि पिंकी को दे देती हूँ, वो चाय मांगते हैं, मैं बोलती हूँ कि मैं क्या यही ले लो, अभी तो मीठे वाला ही है ये। तो अभी देख सकते हो आप ये बच गया था तो मैंने पिंकी को दे दिया था, अभी वो हंस रहे थे, कह रहे मांगी थी चाय और दे दिया रूह अफ़ज़ा। तो कोई बात नहीं, अभी चल ही जाता है सुबह के टाइम, तो इतना बिजी रूटीन होता है। इनको नहाने के लिए बाहर भेजा है और ये अपनी टेक्निक्स कर रहे हैं, देख सकते हो बोतल को ये कैंची से काट रहे हैं। मैं इनको गुस्सा कर रही थी कि जल्दी जल्दी नहा लो, स्कूल का टाइम हो गया, अदरवाइज तो आप लोग लेट हो जाओगे, अगर लेट हो गए तो फिर थप्पड़ पड़ने वाले थे इनको भानु दीदी से। मैंने कहा मैं ठीक है, अभी यहाँ बाहर मौसम अच्छा हो रहा था तो पी लिया, फाइनली पी लिया। मैंने सोचा इनको वीडियो में आना इतना अच्छा नहीं लगता और ना ही इनको ये है कि कोई वीडियो बना रहा है कि नहीं बना रहा है। इधर भानु दीदी ने सब बच्चों के कपड़े रख दिए थे, बच्चों का भी मैंने रख दिया था, कान्हा जी सोए हुए थे तो मैं क्या चलो इनको भी उठा के बिठा देती हूँ। ये सबके लाइन में जूते लगे हुए थे, ये हमारा मंदिर था, अभी मैं मंदिर की प्लेट करती हूँ सबसे पहले साफ़, और उसके बाद हम करते हैं अपनी पूजा वगैरह। तो मैं इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन साफ़ कर लेते हैं मंदिर की प्लेट को, क्योंकि रूटीन का यही काम होता है सुबह का और शाम का हमें। देखो वो तो पूजा तो हम करते ही हैं क्योंकि घर की जो हमारे सुबह की स्टार्टिंग होती है वो हमारे भगवान जी से ही स्टार्टिंग होती है, पर लेकिन थोड़ा सा रुक के करती हूँ, क्यों, क्योंकि अगर मैं एकदम से पहले ही पूजा कर लेती हूँ तो फिर मेरा सारा काम रह जाता है। तो फिर पहले मैंने थोड़े बर्तन वगैरह पड़े थे, मैं कह चलो इनको भी लगा देती हूँ, बर्तन साफ़ करेंगी तो दीदी करेंगी। तो आज हमने अपना बंटवारा कर ही लिया भाई अपने काम का, कि वो क्या करेंगे और मैं क्या करूँगी। तो आप देख सकते हो जब वो काम करेंगे तो उनका भी हम वीडियो शूट करेंगे, और जब मेरा काम होगा तो मैं अपना भी वीडियो शूट करूँगी। तो भाई
नानी जेठानी के काम का बंटवारा हो चुका है। वो कह रहे थे कि अगर मैं करूँगी तो वो तू भी करेगी, अगर जो तू करेगी तो मैं भी करूँगी, पर वो खाना नहीं बनाती। इतना मैं सभी को आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि उनको आलस आता है खाना बनाने से। हाँ, कपड़े धोना, ये वो और जो ऊपर के काम होते हैं ना, वो सारा कर लेती हैं। पर अभी थोड़ा टाइम से उनका सर्वाइकल बढ़ा हुआ था, गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सर्वाइकल में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अभी वो उनको थोड़ा सा लगता है कि नीचे जैसे हम गर्दन करते हैं, बेलन चलाते हैं ना, उससे दिक्कत होती है। अब जैसे मैं अभी सब्जी काट रही हूँ तो मैं तो नीचे गर्दन करके काटती हूँ ना, वो नीचे गर्दन करते हैं ना, तो उनको चक्कर बन जाते हैं तभी, और इतने बड़े बड़े चक्कर आ जाते हैं उनको। अभी यहाँ बच्चे अपने आप ही खुद से तैयार हो रहे थे, अधिराज को तो मुश्किल हो रहा था तैयार होना, क्योंकि वो उससे बंद ही नहीं हो रहा था। और माना भी आ चुकी थी सो के उठ के नीचे, अभी आलकस बहुत आया हुआ था। अभी भिंडी का उनका बच्चों का चला गए थे, वो स्कूल्स काल का उनका हो गया था। मैं कहा चलो अब करती हूँ, क्योंकि प्याज के अगर हाथ हो जाते हैं तो मेरे प्याज के हाथों से कुछ नहीं खाते। तो मैंने सोचा, मैं कहा चलो भिंडी है तो थोड़े से प्याज डाल के बनाते हैं, तो वो अच्छे होते। दूध में उबाल आ चुका है, उसको भी मैंने उतार के रख दिया था, बीच में रख दिया था। अभी आप देख सकते हो मैं ये मोटे वाले प्याज काटती हूँ, कोई मैं ज़्यादा बारीक वाले नहीं काटती। मेरे को भिंडी में बट प्याज बहुत अच्छे लगते हैं, और एक मेरे को नींबू अच्छा लगता है भिंडी में। कई बार क्या होता है कि कई लोग क्या करते हैं, जो अचार होता है उसका तेल होता है, अगर उसको भी भिंडी उसमें छोंकी जाए ना, तो क्या गजब है भाई। आप देख सकते हो मैंने अभी तेल चढ़ा लिया था। तेल चढ़ाने के बाद अभी माना उठ चुकी थी, अब माना का दूध बन रहा था। वो हमेशा डिस्पोजल में पीती है, कि उसको इस चीज़ का क्रेज़ है कि मम्मा मैं डिस्पोजल में पीऊँगी ना। वो कांच में पीती है ना वो स्टील में पीती है। तो भाई मैंने इसको गोल गोल घुमा के अच्छे से इसको मैं दे आई थी, इसमें से भी छोड़ा था उसने। मुझे पता है वो छोड़ेगी ज़रूर, क्योंकि उसको दूध पसंद ही नहीं है भाई, और वैसे भी उसको कॉन्स्टिपेशन है। तो मैं दूध वैसे भी उसको बहुत कम देती हूँ, जिसको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है बच्चे को उसको दूध कम ही देना चाहिए। तो अभी मैंने पहले अपने जो मेरे प्याज थे उनको ब्राउन होने तक ही मैं भूनती हूँ, अच्छे से भूनती हूँ। मेरे को तो वही चीज़ अच्छी लगती है जब अच्छे से भुने हो। भानु दीदी अपनी चाय बना रही थी, उनको चाय का बहुत शौक है, तो सुबह की चाय तो वो लेते ही लेते हैं। उसके बाद माना के पापा ने ला के दी थी मेरे को मैंगो, क्योंकि 3 दिन से ये गुस्सा कर रही थी, मुझे मैंगो चाहिए मैंगो चाहिए। हम मैंगो इसलिए नहीं मंगवा रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, और गर्मी में मैंगो बच्चे नहीं खा सकते, गर्मी होती है। बट फिर भी मैंने इसके पापा को कॉल की, बोला कि इसको खाना है, तो उसके पापा बोले कोई बात नहीं, चलो एक दो लगा देते हैं, कोई बात नहीं, जिद को पूरा क्या करना, बच्चा है मन तो करता ही है। तो इसलिए मैंने अभी फिर मंगवाई थी। कान्हा जी को भी उठा दिया था, वो सोए हुए थे थोड़ी देर पहले, हम उठा के बिठा देते हैं उनको, देन उसके बाद फिर हम इनको तैयार करते हैं, नहाते हैं धुलाते हैं, सब कुछ करते हैं अपने कान्हा जी का। और अभी माना का तो देख ही लिया था कैसे लेटी हुई थी, इसको स्कूल नहीं जाना होता, सबसे पहले स्कूल की बात ही करती है, मम्मा आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। अब इसमें मैंने सारी स्पाइसेस वगैरह डाल लिया, जो जो आप डालते हो वो भी आप देख लेना क्या डालते हो क्या नहीं। कई बार लोग हल्दी भी नहीं डालते भिंडी में, बट मैं हल्दी डालती हूँ, मेरे को अच्छी लगती है हल्दी। एंटीबायोटिक होती है तो कॉमन सी बात है, हल्दी तो डलती ही है, कहीं डालते भी नहीं है। तो चलो वो उनकी अपनी मर्जी होती है, एज़ यू विश, कि आप जैसे भी है। नींबू, हाँ मैंने बताया आपको लास्ट में, मैं नींबू ज़रूर डालती हूँ, और मेरे को नींबू वाली अच्छी लगती है, खट्टी खट्टी से अच्छी लगती है। तो भाई अब टाइम नहीं लगा था सिर खोलने का, तो अब टाइम लगा था, मैं क्या फटाफट से कर ही लेती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे ही बंदा बंदा मेरे भी सर में दर्द हो गया था। अभी देख सकते हो आप, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे मेरे, सारे टॉवल पे थे, कपड़ों पे थे, मैंने रख दिए थे। अभी मैंने बाल बांध तो लिए थे, पर मेरे को डर पता क्या था कि अगर मैं किचन में जाऊँगी और फिर सारे बाल ये दोबारा से नीचे आ जाएंगे। तो मैंने फिर सोचा, मैं क्या नहीं, इनको ना बालों को कवर करके मैं खाना बनाऊँगी। अगर किसी के में भी बाल आ गया ना भाई, प्लेट का ये नहीं पता कौन से आसमान में पहुँचेंगे, क्योंकि बाल का तो आपको पता ही है, सबको पता है कि बाल अच्छा नहीं होता है ना। तो मैंने इसलिए सर पे पल्लू ले लिया था, जिससे सारा आटा भी था वहाँ पे, सब्जी भी थी, कोई भी चीज़ में बाल ना आए, और मन ख़राब हो जाता है अगर बाल आ जाता है। इधर जीजा जी की थाली तैयार हो चुकी थी, पराठा था, लस्सी थी, भिंडी थी, चटनी थी, और भाई अभी ये गेहूँ थी। इस गेहूँ के चक्कर में तो हमने सबने बोल ही दिया भानु दीदी ने कि जब मैं करूँगी तो तू नहीं करेगी, तू भी करेगी, तू भी कर। अगर मैं बोलूँ कि मैं खाना बनाती हूँ आप बनाते नहीं, वो कहते हैं कि मैं तेरे साथ खड़े होकर हेल्प करती हूँ, मैं बच्चों को खाना भी देती हूँ, उनके कपड़े भी धोती हूँ, और उसके बाद मैं ऊपर भी नीचे भी कई बार मैं डस्टिंग भी कर देती हूँ, झाड़ू पोछा भी कर देती हूँ। मैं कहे चलो कोई बात नहीं। तो फिर मैंने भी गेहूँ क्या करी थी, थोड़ी सी धोई थी, तो वो वाली साफ़ करनी थी, हमने जैसे कल धोई थी तो आज वो साफ़ होएगी, क्योंकि वो सूख गई थी, धूप ही यार इतनी थी, वो तो एक ही दिन में सूख गई थी। इस करके इसमें से ना कोई बारीक बारीक दाने निकल रहे थे ब्लैक कलर के, जब अगर ये आटा ऐसे ही पिस जाता ना तो फिर आटा काला आने वाला था। तो इसलिए इतनी सारी गेहूँ है, देखो भाई ये मैंने भी की है साफ़, मेरे अकेले से नहीं हुई है साफ़, मेरे को लग रहा था कि भानु दीदी भी करेंगे साफ़ में, तो वो कह रही थी मैं थोड़ी देर में करती हूँ, अभी तू कर ले। तो बच्चों का टिफ़िन का भी टाइम हो चुका था, बीच बीच में और भी काम होते हैं। बच्चों का टिफ़िन में क्या था,
आज उनको भिंडी का पता नहीं था, क्योंकि अगर उनको पता करके देते ना तो वो कहते हमने नहीं खाना, हम भिंडी खाएंगे नहीं। तो हमें बिना पूछे ही मैंने उनके टिफिन में भिंडी रख दी थी। कोई खाए चाहे ना खाए, चाहे वापिस आए, उस बात से नहीं है, जब भूख लगेगी ना तो खुद से ही खा लेंगे, वो सबको आपको पता ही है। ये सबके टिफिन थे, माना का था, अधिराज का, आराधना का, अब इनके बैग में हमने डाल दिया था टाइम से। अब क्या हो रहा था कि अब 7 से 12 का टाइम हो गया था ना, 7 से 12 तक का, तो इसलिए तो भानु दीदी भी करने लगे थे कि हाँ ये बच गई है। मैं कह चलो आप भी कर दो। ऊपर से मेरे पास लोड आ गया था प्रेस का, क्योंकि पिंकी के प्रेस के कपड़े बहुत मुश्किल है भाई प्रेस करना। क्यों? क्योंकि इनको एक भी सलवट नहीं चाहिए होती है। और फिर मैंने जल्दी जल्दी से प्रेस की, फटाफट से। मेरे को बोल रहे थे मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा, कभी बोल रहे थे यहाँ ज़्यादा मत मार देना, मेरे पास ही बैठे हुए थे और मेरे से बात कर रहे थे, कह रहे तूने ज़्यादा तो नहीं करी, इसमें ज़्यादा गर्म तो नहीं लगा दी। तो वही सीन था कि मैं कह नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये बड़े चूजी से हैं, और आपने देखा ही होगा वीडियो में, बहुत कम वीडियो में आते हैं, बट वैसे नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, बहुत मेरे को समझते हैं। अब इस पर नहीं लगाने दे रहे थे प्रेस, मैंने बोला कि नहीं, मैंने अभी गर्म थी अभी इसको मैंने कम कर दिया। और मैं आ गई थी दोबारा किचन में, दोपहर का टाइम था, दोबारा से हमारा स्टार्ट हो चुका था। आप देख सकते हो इधर स्टैंड था, धूप में था, इसको साइड में कर दिया था, बाहर दरवाज़ा खुला हुआ था, धूप में बार बार लग रहा था उसको, मैंने दरवाज़ा मैंने लगा दिया था। और मेरा दाल भी बन चुकी थी, दाल का मेरा तेल हो चुका था, गर्म था, उसके लिए मैंने प्याज जो छोंक होता है वो भी कर लिया था। दोपहर तक बहुत अच्छा टाइम हो जाता है, आराम से मैनेज कर लेती हूँ मैं फिर भी ना, पर लेकिन हाँ गर्मी में थोड़ा मुश्किल लगता है। जब तेल उधर हो रहा था, बहुत तेज़ हो रहा था, तो इनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था प्याज को, इनका छोंक बन गया था, और ऊपर से मैंने टमाटर भी काट लिया था। जैसे ही तेल गर्म हो गया था मैंने प्याज डाल दिए थे, प्याज को अनटिल ब्राउन होने तक मैंने देखा कि हाँ ब्राउन हो गया, फिर मैंने टमाटर डाल दिए थे। मसूरी की दाल थी, बट ये बहुत नुकसान देती है, भानु तो कभी नहीं खाते इसको, पर जीजा जी की फेवरेट है तो इसलिए बन जाती है। तो दोपहर में क्या बनाते हैं, और अभी हरी सब्जी थी, भिंडी थी सुबह, तो अभी ये बनना था, बाकी था और कोई सब्जी थी नहीं, तो मैं बनाती। मैं अपनी दवाई भूल गई थी लेना, तो अभी दोपहर में याद आया वो दवाई तो मैंने ली नहीं, तो मैं फिर अपनी दवाई लेना स्टार्ट कर दिया था। अभी मैंने इसमें डाल दिए थे टमाटर, और ये मेरा छोंक अच्छे से हो गया था। देन यू विल ऐड ऑल स्पाइसेस, उसके बाद आप देखना कितना अच्छा कलर आ रहा है भाई, मस्त। ऐसे मैंने सारे कपड़े थे तय बना के रख दिए थे, अभी दोपहर का टाइम हो रहा था तो सैलड लेते हैं, बच्चे भी जीजा जी भी ले लेते हैं, तो मैंने सैलड वगैरह सब कट करके रख दिया था। तो भानु दीदी मेरे पास आ गए थे, मैंने जैसा आपको बताया कि हमने काम बांट लिया है, तो देख सकते हो, तो साथ तो भाई खड़े होना ही पड़ेगा, अब तो काम का बंटवारा हो गया देवरानी जेठानी के, तो बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है कि दोनों साथ साथ काम करते हैं। तो अभी देख सकते हो आप कितना अच्छा लग रहा है। मैंने भी अपनी चपाती बना दी, अब मेरे को गर्मी लग रही थी, मैंने चुन्नी साइड में रख दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो प्लीज़ गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब करना, वीडियो को मत भूलिए, और ऐसे ही वीडियो को इंजॉय करते रहिए। कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो, और ऐसे ही अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। और माना कि कुछ वीडियोज़ आती है वो उनको भी लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो भानु दीदी बीच बीच में बोल रही थी कैसे डालूँ, बीच बीच में वो तो खा भी लेती है। मैं क्या, आपके अच्छे मज़े हैं भाई, आप खाते भी रहते हो और काम भी करते रहते हो। तो भाई थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच।